गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द असाइनमेंट नंबर 10.2। बेटा हमने 10.2 जो हमने स्टार्ट कर दिया था, और इस 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बेटे? क्वेश्चन एक बार अपने आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। बेटा हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर रूम है। रेक्टेंगुलर का मतलब इस टाइप से अगर रूम है कोई सा, एक रूम, तो रूम जो है रेक्टेंगुलर है तो क्यूबॉइड की तरह लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, एकदम बिल्कुल जो क्यूबॉइड की तरह लगेगा, ठीक है। उसकी जो लेंथ है एल है, और जो ब्रेथ है बी है, और एच जो क्या है हाइट एच है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ फोर वॉल। बेटे हमेशा जब भी हम एरिया ऑफ फोर वॉल की अगर बात करेंगे ना, तो कोई रूम है तो इस अगर क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इस क्यूबॉइड के जो टॉप वाला है ये वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन, इसे हटाकर हम एरिया ऑफ फोर वॉल निकालते हैं। मतलब ये टॉप का पोर्शन हटा देंगे और एक हम ये नीचे का पोर्शन, मतलब अगर हम एक रूम की अगर बात करें कि रूम का जो फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब जो नीचे का, उसे हम हटा देंगे और जो ऊपर जो रूफ़ होता है उसे हटा देंगे तो एरिया ऑफ फोर वॉल निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल का जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, वो जाता है हमारा क्या, 2HL+KB, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया इसका आंसर आपका, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ना बेटे इसे एच यहाँ पे लिख लो, चाहे एच जो है इसके लास्ट में लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बात तो वही है, ठीक। तो एरिया ऑफ फोर वॉल कहीं किसी भी ऐसे ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है आता है क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 36। बेटे जो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है ना वो कितना है, 36 है, ठीक है, यहाँ पर राइट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद द बेस, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इसमें बोल रखा है कि बेस एरिया। बेटे यहाँ पे बेस एरिया बोल रखा है ना, तो बेस एरिया जो होता है हमारा एल इंटू में बेच बी होता है, ठीक है। तो एल और बी की जो वैल्यू है कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ठीक है। अब तो इसके जो हमने फॉर्मूला लगा दिया कि एल इंटू में बी इंटू में एच इक्वल टू में 36, और यहाँ पे हमें एल और बी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, एल और बी की जो वैल्यू है कितनी है, 18 है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एच, और यहाँ पे एच ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, 2 आ गई। अब जो है नेक्स्ट हम जो करेंगे, ठीक है, फिफ्थ के बाद जो आता है हमारा सिक्स। बेटे सिक्स की बात करते हैं। सिक्स में क्या है क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम्स एंड द टोटल सरफेस एरिया। बेटे अब तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे हम ऐसे बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फाइंड आउट करना है किसका, इसमें दे रखा क्यूबॉइड का, इसकी लेंथ दे रखी है बेटे, लेंथ देखो यहाँ पे लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ भी दे रखी है बेटे, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। फॉर्मूला हम लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट की, लेंथ जो है 5 है, यहाँ से 5 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, और 4 की वैल्यू ब्रेथ है और 3 की वैल्यू ये हाइट है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 16, ठीक। ऐसे ही हम ये तो हमने वॉल्यूम ही कर लिया बेटे, वॉल्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे क्यूबॉइड करेंगे। अब क्या करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपको मैंने बताया था, किसका जो फॉर्मूला होता है बेटे, 2LBBH+HL, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दी हमने। B की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 पुट कर दी। 3 मतलब यहाँ पे फिर चाहिए क्या, बी और एच, तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 और हाइट की वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया हमने। फिर उसके बाद एच की वैल्यू जो हमारे चाहिए, एच की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 5, तो 5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे इसकी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किया, 20 आया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किया, ये कितना आया हमारा, 12 आया। और इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन किया 3 और 5 की, तो 15 आया। जब इन दोनों का सबको प्लस किया तो 47 आया, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके 94 आ गया, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हमें कितना आ गया बेटे, 94, ठीक है। ऐसी जो है सारे के सारे जो सिक्स पार्ट के जितने भी पार्ट हैं, सिक्स पार्ट है बेटे, छः के छः पार्ट जो है एकदम बिल्कुल सेम एज इट इज करना है आपको, कुछ नहीं करना है।
ये आपको मैं सेकेंड पीरियड में आपका चेक करूँगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।